Assalamualaikum viewers, एक नए दिन और एक नई वीडियो के साथ आप सबका वेलकम करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर, और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इस वक्त मैं हूं रोड पर, कुछ काम था जिसकी वजह से मैं बाहर निकला हुआ था। तो जस्ट अभी मैं जा रहा हूं घर। तो आज थर्सडे है और आज का प्लान कुछ ये है कि मैं अभी जा रहा हूं अपनी फैमिली को लेकर, उन्हें शॉपिंग करनी है कुछ, तो उनको लेकर जा रहा हूं बाहर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को कि हम लोग आज कहाँ कहाँ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आज जिस मार्केट में मैं आप लोगों को लेकर जाऊँगा, उस मार्केट का नाम है अल हरम सेंटर, जो कि हमारे घर के करीब है। वहाँ से हम शॉपिंग करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वहाँ एग्जैक्टली क्या क्या कुछ है। ज़्यादातर हम लोग शॉपिंग जो है वो इसी मॉल से करते हैं। हर तरह की आइटम, कपड़े, शूज, बैग, हर तरह नॉर्मल जरूरियाती जिंदगी के लिहाज से हर चीज वहां से आपको मिलती है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूं घर, और घर जाके लूंगा फैमिली को। उसके बाद मैं इंशाल्लाह जैसे आपको बताया प्लेसेस जो है वो विजिट करूंगा। तो अभी चलते हैं घर और मिलते हैं आपको घर चल के। जी हम लोग आ चुके हैं इस वक्त अल हरम शॉपिंग सेंटर, और इस वक्त हम लोग हैं बेसमेंट में। अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो चलते हैं ऊपर और आप सबको ऊपर का भी जो है वो विज़िट करवाते हैं। अभी बेसिकली ग्राउंड फ्लोर से हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर। ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादातर जो शॉप्स हैं ना, वो फूड कोर्ट वगैरह यहाँ पर नीचे है, यहाँ बच्चों के टॉयज वगैरह मिलते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर और आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे दिखाते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे क्या है। हम लोग हैं फर्स्ट फ्लोर पे और मेरे आप पीछे देख रहे हैं, ये सब जो बच्चों का एरिया है बेसिकली, यहाँ ये गर्ल्स सेक्शन है। यहाँ पर छोटे बच्चों के ड्रेसेस हैं, पीछे आप देख रहे हैं। तो अभी वैसे तो अपना काम नहीं है इधर, तो इंशाल्लाह चलते हैं बॉयज़ सेक्शन में। जी हम लोग आ चुके हैं इस वक्त सेकंड फ्लोर पे। असल में फर्स्ट फ्लोर जो था ना, उसमें ज़्यादातर छोटे बच्चों का और छोटे मतलब न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं ना, उनकी वैरायटी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो इस वक्त मैं हूँ सेकंड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर पर भी कुछ सीन ऐसा ही है, एक तरफ मैन और दूसरी तरफ जो है ना वो वुमेन का सिस्टम है। तो मैं इस वक्त मैन वाली साइड पर हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सारी पेंट की वैरायटी हैं, और ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये ऊपर ये देखें, ये साइज़ लिखे हुए हैं, ये 32 इंच जो है ना वो वेस्ट है। यहाँ पर ये वैरायटी है पैंट की। इसी तरह ही हर सेक्शन के जो आप देख सकते हैं दूर तक, हर सेक्शन जो है ना उसके ऊपर ऐसे ही नोट लगा हुआ है जो कि साइज़ को मेंशन कर रहा है कि यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर जो सेकंड फ्लोर पर सीन है, यहाँ पर आपको ट्राउज़र, शर्ट्स, टी शर्ट्स, इसी तरह ही अपना वुमेन वाली साइड पर, वहाँ पर भी सीन कुछ ऐसा ही है। उस तरफ नहीं है अब हम जा रहे, क्योंकि अपना उधर कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उस साइड पे हम लोग नहीं जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो पैंट है, जीन्स की पैंट है जैसे, उसकी नॉर्मल क्या प्राइस है और क्वालिटी जो है वो कैसी है। तो मैं इस वक्त आ गया हूँ जी, 38 वेस्ट है इस सेक्शन में। यहाँ पर जीन्स की जो पैंटें हैं ना, वो ये देखें लगी हुई सारी वैरायटी, इधर भी और इस साइड पर भी।
आप देख रहे हैं, कोई भी एक पेंट उठा कर, मैं फॉर एग्जांपल ये पेंट है, ये पेंट जो है 76 रियाल की है यहाँ पर। इसी तरह ही हर पेंट के साथ उसका रेट जो है ना वो साथ टैग किया हुआ है, देखें 94 रियाल। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी की पेंट्स हैं। और अगर आप इस तरफ थोड़ा सा देखें, ये सामने यहाँ पर भी पेंट्स हैं, ये ऊपर इनके प्राइस लिखे हैं 32-45 रियाल के अंदर ये पेंट यहाँ पर आपको मिलेगी इस सेक्शन में। इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, इनके पास यहाँ पर ये साइजेस लिखे हैं 34, ये 34 है सारा, ये 36 है। मैं आपको 36 का ही दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर है, ये पेंट है, यहाँ पर इसका साइज़ है 40 रियाल। पर आपको डिफरेंट ब्रांड्स के हिसाब से जो उनके प्राइस जो है वो मिल जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ शर्ट्स, ये देखें। इसी के साथ ये यहाँ शर्ट्स का सेक्शन है, ये ऊपर 25-30 रियाल जो है ना, और साथ में आपको ये साइज़ नज़र आ रहा है एम, ये 30 रियाल में लार्ज, ये देखिए एम। ये डिस्प्ले के तौर पे ये सामने ये जो शर्ट्स लगी हुई है ना, यहाँ से आप पहन के इसको ट्राई कर सकते हैं। और ट्राई करने के बाद आप उसका ब्रांड देखें ये किस ब्रांड की है, और उसको फिर यहाँ पर अपने उस ब्रांड के मुताबिक वो शर्ट जो है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। तो जी अभी मैं इस वक्त टी शर्ट्स के सेक्शन में हूँ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी टी शर्ट्स जो है वो अपने साइज़ के साथ मौजूद है, ये देखें एक्सल, ये डबल एक्सल। और इस किसी भी शर्ट को आप खोलेंगे तो साथ ही उसके प्राइस भी लिखे हुए हैं। ये देखें ये शर्ट है, ये 49 रियाल की यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हर ब्रांड के अपने हिसाब से प्राइस है। तो ये बेसिकली जो शॉपिंग सेंटर है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ कपड़े से, गारमेंट से रिलेटेड आइटम्स मिलेंगी। ये भी यहाँ पर कुछ सीन ऐसा भी है कि ये देखें 14 रियाल में यहाँ पर आपको शर्ट्स मिलेंगी, टी शर्ट्स मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं, विद कॉलर के साथ, कॉलर वाली शर्ट्स मिलेंगी। ये सिर्फ ये होता है कि जी थोड़ा सा इसकी क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी सी वीक होती है, अदरवाइज़ आप इसको पहन कर आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। और ये सॉक्स वगैरह, ये इस वक्त मैं शूज़ सेक्शन में हूँ, यहाँ पर ये सारे आप देख रहे हैं, यहाँ पर शूज़ ही शूज़ हैं हर तरफ। और ये सॉक्स, तो अभी ये एक शूज़ जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये शूज़ ऐसे हैं जैसे सेफ्टी शूज़ नहीं होते। 112 रियाल में ये शूज़ मिलेगा। अब साइज़ में भी बड़ा या छोटा होगा तो उसमें प्राइस जो है वो शायद कुछ थोड़ा वो डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ पर आपको 120-130 के अंदर आपको शूज़ जो है वो अच्छे मिल सकते हैं। ये देखें, जैसे ये 47 रियाल का शूज़ है। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेज़ में यहाँ शूज़ अवेलेबल है। ये वो सीन है कि जी गुड़ जितना डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो ऐसे ही है। और थोड़े से हल्के प्राइस में भी यहाँ पर शूज़ मौजूद हैं, ये देखें 75 रियाल में। तो अभी शॉपिंग करने के बाद बारी आती है पेमेंट की, तो पेमेंट के लिए हम लोग चलते हैं काउंटर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग घर वापस आ चुके हैं और पूरी कोशिश की है कि वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर का विज़िट करवा सकूँ, तो मैंने वो आप सबके साथ शेयर किया इस वीडियो के अंदर। अभी आप लोगों ने इस वीडियो में एक और चीज़ नोट की होगी कि मैंने आपको कुछ रोज़मर्रा की आइटम्स जो हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया, जैसे उनके प्राइस बताए हैं मैंने आपको। तो वो प्राइस मैंने इसलिए बताए हैं ताकि मेरी जो वीडियो जो लोग देख रहे हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस मार्केट में मतलब किस रेंज की
चीज़ें आपको मिल सकती हैं इस मार्केट में। अब आप लोगों ने इस मार्केट को विज़िट करना है नहीं करना, ये आप लोगों के ऊपर है, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि आप लोगों को यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसके अलावा आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पहली वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखी हो, तो मैंने व्हाट्सएप से बात कर रहा था, तो व्हाट्सएप ने 5 तारीख की कोई एक बात की थी कि इससे पहले पहले चीज़ों को शायद ख़त्म होना चाहिए। तो मैंने उस पर ये आगे से रिप्लाई दिया था कि ये भी एक राज है। तो वो बेसिकली राज ये है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं ना, वो जा रही हैं हर से पाकिस्तान, फैमिलीज जो थी वो विज़िट वीज़े पर थी, तो अभी उनका टाइम जो है वो हर से यहाँ पर पूरा हो चुका है, 6 मंथ, अभी भी 6 मंथ बाकी हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। तो बस ये शॉपिंग का जो सिलसिला था आज का, वो भी इसी वजह से ही प्लान किया गया था कि वो हर से फैमिली जो हैं वो पाकिस्तान जा रही हैं, तो उससे पहले जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी वो लेनी थी, तो इसी बहाने आप लोगों को भी हमने इस मार्केट का विज़िट करवा दिया। तो कोशिश की है कि आप लोगों को ये वीडियो से इंटरटेन कर सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।